अमेरिका में एक नया चेंज आया है, स्टूडेंट के लिए बहुत बुरी खबर है। अमेरिका ने में रहने वाले जो छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे किसी भी कोर्स में या ई लर्निंग कर रहे थे, तो अमेरिका ने मंडे को, सोमवार को, कल एक ऑर्डर पास किया है कि ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्र, सिर्फ ऑनलाइन करने वाले पढ़ाई करने वाले छात्र का वीज़ा रद्द कर दिया जाएगा और उनको अपने देश को वापस लौटना पड़ेगा। तो लगभग 2 लाख भारतीय स्टूडेंट वहाँ ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और उनका सपने चकनाचूर हो जाएंगे। ये बहुत ही उनके लिए बैड लक है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट इंडिया से खास कर जाता है तो यहाँ पे ज़मीन सब कुछ बेच के जाता है, क्योंकि अमेरिका सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। और शुरू में यही देश अपनी तिजोरी भरते हैं, इकोनॉमी को ऊपर चमकाते हैं, और लेटर ऑन जब कुछ होता है तो ये वाली बात हो जाती है। तो अमेरिका में भारतीय स्टूडेंट के लिए बहुत ही दुखद खबर है कि उनको अगर ऑनलाइन या ई लर्निंग पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनका प्रवेश कैंसिल समझा जाएगा और जल्द ही उनको अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। अब यहाँ ये बात संक्षेप में बताने योग्य है कि ज़्यादातर बच्चे चाइना के हैं या इंडिया के हैं या साउथ कोरिया के हैं या दुबई के हैं, तो इन लोगों ने वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, हो सकता है अगर इसको पॉजिटिव लिया जाए तो अमेरिका ने ये चीज़ इसलिए की है कि जो बच्चे बाहर बाहरले देश से आए हैं तो यहाँ पे मौत की दर भी बहुत बढ़ गई है, और दूसरा यहाँ पे कोविड केसेस भी वर्ल्ड के टॉप पे हैं, तो उनको सेफ्टी के लिए ऐसा किया गया हो। पर दूसरे ग्रुप वाली लॉबी सोचती है कि ये ऑनलाइन जो कि सेफेस्ट है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ करनी ही नहीं पड़ती, मास्क भी नहीं लगानी पड़ती, तो ये दूसरे बच्चे जो रेगुलर कर रहे हैं फेस टू फेस, उनके लिए तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो ये डिसीज़न को रिव्यू करना चाहिए अमेरिका को। दूसरी चीज़ ये भी बताई जानी चाहिए कि कनाडा में हाइब्रिड प्रोग्राम चल रहे हैं कि अगर आपका कोर्स में थ्रेटिकल कंपोनेंट और प्रैक्टिकल कंपोनेंट है तो आप इंडिया में रह के ही थ्रेटिकल कंपोनेंट पूरा कर सकते हो, जब कोविड ख़त्म होगा तो प्रैक्टिकल कंपोनेंट आप कनाडा के कैंपस में आके कर पाओगे। तो अमेरिका भी ऐसा कुछ कर सकता था, मगर उसने ये चीज़ क्यों की, कैसे की, आने वाले दिन बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, लगभग 2 लाख कम नहीं होते बच्चे, जो कि अमेरिका को, जिनको छोड़ना पड़ सकता है क्योंकि उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। और दूसरा, कुछ जो शुभचिंतक हैं वो कहते हैं कि उनका वीज़ा अगर वैलिड रहा तो उनको, जब कोविड चला जाएगा तो उनको स्पेशल कुछ रिस्ट्रिक्शन से रिलैक्स करके वापस भी बुलाया जा सकता है। मगर ये क्यास लगाई जा रही है, ये क्यास अमेरिका गवर्नमेंट ने नहीं क्लियर की, ना ही ये बताया है, ये तो यहाँ के वीज़ा एक्सपर्ट ओपिनियन बोल रहे हैं। इस खबर को बढ़ा चढ़ा कर कैनेडा और यूके वाले जो वीज़ा एजेंट्स हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि वो एक तरह से डीमोरलाइज करना चाहते हैं यूएसए का ट्रांजिट, ताकि बंदा यूएसए जाए ही ना और उनकी तिजोरी यूके और कनाडा वाली भरी रहे। तो इतने मुश्किल टाइम में तिजोरी भरने वाला काम एजेंट से कोई सीखे, खासकर पंजाबी, तो ये चीज़ आपके अपडेट आपको बता दी गई है। आप लाइक कीजिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमारी वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। आपके कोई भी कोर्स, नैनी हो, अलाइड हेल्थ हो, या आपको स्टडी का गैप में जस्टिफिकेशन परेशान कर रही है,
आप SOP नहीं बना पा रहे, आप चॉइस बेस्ड क्रेडिट ट्रांसफ़र स्टडी गैप के बारे में नहीं जानते, RPL के बारे में नहीं जानते, तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट जरूर देखिए www.paramedicalindia.com और व्हाट्सएप नंबर 9872468540। धन्यवाद दोस्तों।